नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथी क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हियरिंग लॉस के विषय में, ऊंचा सुनाई पड़ने के विषय में। तमाम हमारे अधिक उम्र के लोग होते हैं, हमारे वरिष्ठ होते हैं, हमारे बुजुर्ग लोग होते हैं, उनका उम्र के साथ एक पार्शियल हियरिंग लॉस होने लगता है। तो आज हम आपको बताएंगे इसको दूर करने की केसेस के हिसाब से 20 कारगर होम्योपैथिक दवाएं, जो कि आपके पार्शियल हियरिंग लॉस में आपको आराम दे देंगी और कोशिश है कि आपके हियरिंग एड लगाने से आप लोग बचेंगे। साथियों, सबसे पहले शायद ये ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं कि हियरिंग लॉस होता क्या है। यदि आपको सुनाई नहीं पड़ रहा है या कम सुनाई पड़ रहा है तो वो हियरिंग लॉस या पार्शियल हियरिंग लॉस होता है। जब यह बुजुर्ग लोगों में होता है, अधेड़ उम्र के लोगों में होता है, तो इसको प्रीबायोसिस कहते हैं उस वक्त, और ये ज़्यादातर इन्हीं लोगों में पाया जाता है। तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवाएं हैं जो आपको इससे ठीक कर देंगी। दवा बताने से पहले आपको इसमें सिम्टम की बात कर लेते हैं। सिम्टम इसका एक ही है कि अगर आपको सुनाई कम पड़ रहा है तो समझ लीजिए आपको हियरिंग लॉस है या पार्शियल हियरिंग लॉस है। फिर बात आ जाती है इसके कॉजेस की, ये होता क्यों है। ये साथियों, इसके 5-6 कारण होते हैं विशेष तौर पर जो यहाँ होता है। पहला कारण होता है कि आपका जो ईयर है उसमें इन्फ्लेमेशन आ गया, सूजन आ गया। सूजन अगर आपके ईयर में आ जाता है, जिसको कि ओटाइटिस मीडिया भी कहते हैं, वो आ जाता है, वो CSOM और ASOM होता है। ASOM एक्यूट सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, CSOM क्रॉनिक सपरेटिव ओटाइटिस मीडिया होता है, या हो जाता है, या फिर ऑडिटरी नर्व की आपके पैरालिसिस हो जाती है, या आपके कान में ईयर वैक्स आ जाता है, या आपके कान को कोई ट्रॉमा या चोट पहुंची होती है, या सब तमाम रीजंस हैं जो, और एक आपका एजिंग फैक्टर होता है, या सब तमाम रीजंस हैं जो पार्शियल हियरिंग लॉस के लिए कॉजेज होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बात आती है कि आपको हियरिंग लॉस हो गया तो इसको आप ठीक कैसे करें। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत कारगर दवाएँ हैं। दवाएँ बताने से पहले हर वीडियो की तरह हम आपको बता दें कि यह दवाएँ आपकी जानकारी के लिए हैं। कोई भी दवा बिना किसी कुशल चिकित्सक से पूछे ना लें, क्योंकि हो सकता है सिम्टम और आपकी दवा जो हम बता रहे हैं उसमें आपके हिसाब से भिन्नता हो और वह दवा आपको नुकसान भी कर जाए। तो हमेशा रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें। बताते हैं आपको साथियों कारगर होम्योपैथिक दवाएँ पार्शियल हियरिंग लॉस के, जो कि आज के वक्त में शायद हम लोगों को किसी न किसी उम्र के पड़ाव पे सबको ये ज़रा सा ज़रा कुछ ना कुछ होना है। और महंगी जो एड की डिवाइसेस होती हैं वो हम लोग लगाते हैं, लेकिन वो भी बहुत कारगर नहीं होती हैं और अपने को एक डिप्रेशन की, अपने को एक डाउन फीलिंग देती हैं। तो उससे बचने के लिए सबसे अच्छी बात ये कि आप ठीक ही हो जाएं, आपको उनकी ज़रूरत ना पड़े, वही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। चलते हैं साथियों, होम्योपैथी में पार्शियल हियरिंग लॉस या हियरिंग लॉस की बेहतरीन कारगर होम्योपैथिक दवाओं के विषय में बात करते हैं। साथियों, सबसे प्रीमियम दवा जो होम्योपैथी में आपकी हियरिंग लॉस को ठीक करने के लिए है, पार्शियल हियरिंग लॉस को ठीक करने के लिए है, वह है कालीम्यूर। कालीम्यूर 32 बूंद दिन में 3 बार आप किसी भी ईयर के कंडीशन में ले सकते हैं जब आपके पार्शियल हियरिंग लॉस हुआ हो। यह दवा हमने क्लिनिक पे अपने करिश्माई रिजल्ट इसके देखे हैं, बहुत ही अच्छे रिजल्ट देती है और पार्शियल हियरिंग लॉस को दूर करती है। कालीम्यूर 32 बूंद दिन में 3 बार, और यह विशेष तौर पर तब कारगर हो जाती है जब आपके नज़ला जुकाम खांसी बार बार होने की कैफियत हो, स्थिति हो, या रिपीटिटिव आपके हो जाता हो। तो आप कालीम्यूर 32 बूंद दिन में 3 बार पार्शियल हियरिंग लॉस की स्थिति में ले लें, निश्चित रूप से यह दवा आपको फ़ायदा करेगी। सबसे साथियों, जो रेगुलर कंडीशन होती है कि जिसमें आपके पार्शियल हियरिंग लॉस आम तौर पर होने लगता है, वह आपके मिडिल ईयर का इन्फेक्शन होता है। तो अगर आपके मिडिल ईयर में इन्फेक्शन है तो इसकी 2 कारगर बहुत होम्योपैथिक दवाएं हैं। पहली दवा है पल्सेटिला, दूसरी दवा है हिपरसल्फ। पल्सेटिला 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप अपने पार्शियल हियरिंग लॉस के लिए, जब भी आपका ईयर का सपरेशन हुआ हो, ईयर में पकने लगा हो, उसे मवाद आने लगा हो और वो हरे रंग का हो, तो हरे रंग का मवाद यदि आपके आ रहा है तो पल्सेटिला बहुत कारगर है, जो थिक मवाद है। पल्सेटिला 32 बूंद आप दिन में 3 बार ले लें। आपका जो मिडिल ईयर के इन्फेक्शन के कारण हियरिंग लॉस होने पर
ग्रीनिश डिस्चार्ज आपके थिक ग्रीनिश डिस्चार्ज आपके कान से आ रहा है तो पल्सेटला 32 बूंद दिन में 3 बार लेना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। यह आपके इस ईयर इन्फेक्शन को ठीक कर देगा और जब कॉज खत्म हो जाएगा मिडिल ईयर का इन्फेक्शन तो आपका पार्शियल हियरिंग लॉस भी खत्म हो जाएगा। दूसरी दवा इसी श्रृंखला की आती है साथियों हिपरसल्फ। हिपरसल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार मिडिल ईयर के इन्फेक्शन के कारण होने वाले पार्शियल हियरिंग लॉस में उस स्थिति में कारगर है कि जब आपका जो कान से मवाद आ रहा है वो बड़ा बदबूदार है, ओफेंसिव है, ठीक है और पस की तरह है। अगर इस तरह का डिस्चार्ज आपके कान से आ रहा है तो आप हिपरसल्फ 1 EM पावर की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ले लें। आपका कान बहना बंद हो जाएगा और आपका ये जो पस लाइक डिस्चार्ज आ रहा है इसके कारण जो आपका पार्शियल हियरिंग लॉस है यह भी खत्म हो जाएगा। फिर साथियों एक कंडीशन आती है पार्शियल हियरिंग लॉस के कॉज आता है आपके ईयर में वैक्स आ गया है। आपके ईयर में जब वैक्स आ जाता है तो भी आपको हियरिंग लॉस होने लगता है या पार्शियल हियरिंग लॉस होने लगता है। तो यदि वह स्थिति आपके आती है ईयरवैक्स वाली तो इसको दूर करने की 2 बहुत कारगर होम्योपैथिक में दवा हैं। पहली दवा है इलैप्स। इलैप्स 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में ले सकते हैं कि जब आपके बहुत हार्ड बहुत ही सख्त ईयरवैक्स आपको लग रहा हो, आप अंदर ईयरबड डाल रहे हो, वो खड़खड़ खड़खड़ बोल रहा हो लेकिन कुछ ना निकल रहा हो, बड़ा सख्त महसूस हो रहा हो अंदर कान में आपको, अगर वह कंडीशन हो तो आपके लिए होम्योपैथिक दवा इलैप्स है। इलैप्स 32 बूंद दिन में 3 बार आप ले सकते हैं। और यदि यह जो ईयरवैक्स आपके आता है इसकी दूसरी बहुत कारगर होम्योपैथिक दवा है होम्योपैथी में ईयरवैक्स। जब आपकी डिपॉजिट हो जाता है, जब आपके पस बना कोई इन्फेक्शन हुआ और ईयरवैक्स आ गया, अगर वो थोड़ा लूज है तो उसकी कारगर होम्योपैथिक दवा है साइलिसिया। आप साइलिसिया 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें। आपका जो सॉफ्ट ईयरवैक्स अगर आपके है वह अपने आप डिजॉल्व होकर कान से बह के निकल जाएगा और आपका कान बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा कि ईयरबड का कम से कम उपयोग करें। यह अंदर बहुत सेंसिटिव आपके मेम्ब्रेन होती है तो ईयरबड उसमें नुकसान पहुँचा सकती है, और हमेशा ब्रांडेड ईयरबड लें, लोकल ईयरबड ना लें, इससे आपके कान में इन्फेक्शन हो सकता है। बेसिकली ईयर का पैसेज बिल्कुल सूखा ड्राई होना चाहिए, इस बात को हम लोगों को देखना चाहिए। अगर वह ड्राई नहीं है तो समझ लीजिए तमाम परेशानियाँ जो हम आपको बता रहे हैं इनमें से कोई परेशानी आपको हो सकती है। साथियों फिर एक कंडीशन आती है माइनस डिजीज़ की। कभी आपके डॉक्टर ने आपसे कहा हो कि आपको माइनस डिजीज़ हो गया है। माइनस डिजीज़ का होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है। माइनस डिजीज़ में साथियों 3 सिम्टम पाए जाते हैं। अगर यह 3 सिम्टम आप में है तो हो सकता है आपको माइनस डिजीज़ हो। पहला होता है आपके डेफनेस होती है यानी हियरिंग लॉस होता है। दूसरा होता है टिनिटस यानी कि आपको कान में आवाज़ें आने लगती हैं। और तीसरा होता है वर्टिगो यानी चक्कर आने लगते हैं। तो अगर यह 3 कंडीशन आपके साथ हैं तो आप समझ लें, और आपको हियरिंग लॉस हो रहा है तो समझ लें कि आपको मिनियस डिजीज़ है। मिनियस डिजीज़ का होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है जो आपके मिनियस डिजीज़ को जड़ से ठीक कर देता है और आपको आराम दे देता है। पहली दवा साथियों इस कंडीशन की है चिनिनम सल्फ। चिनिनम सल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में माइनस डिजीज़ के कारण आपके पार्शियल हियरिंग लॉस को ठीक करने की बहुत कारगर दवा है। जब आपके ईयर पे बहुत ज़्यादा नॉइसेज आ रहे हों, जब आवाज़ें आपके ईयर में बहुत ज़्यादा आ रही हों तो उस कंडीशन को ठीक करने की दवा चिनिनम सल्फ है। आप चिनिनम सल्फ 32 बूंद दिन में 3 बार ले लें तो आपका माइनस डिजीज़ के कारण होने वाला पार्शियल हियरिंग लॉस ठीक हो सकता है। दूसरी दवा इसी स्थिति की साथियों माइनस डिजीज़ को सही करने की जो कि आपके पार्शियल हियरिंग लॉस के लिए रिस्पॉन्सिबल है वह है चिनोपोडियम। चिनोपोडियम 32 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपके बजिंग नॉइसेस आ रही हो, बरैया ऐसी बस कर रही है, मधुमक्खी बजिंग कर रही है, यह स्थिति अगर आपके आपके कानों में आ रही है जिससे आपका हियरिंग लॉस हो रहा है तो इसकी बहुत कारगर दवा चिनोपोडियम 30 है। चिनोपोडियम 30 में माइनस डिजीज के 3 सिम्टम एक साथ आपको पाए जाते हैं, डेफनेस, वर्टिगो और टिनिटस यानी आवाज़ें। तो यह बहुत कारगर दवा है जो आपके माइनस डिजीज को ठीक कर देंगी, जिनका की नाम चिनिनम सल्फ और चिनोपोडियम है। फिर साथियों एक बड़ी कॉमन कंडीशन बच्चों में आती है कि उनके टॉन्सिल्स के कारण उनका हियरिंग लॉस हो गया।
तो अगर आपका टॉन्सिल्स के कारण हियरिंग लॉस बच्चों में हो रहा है तो उसकी दो बहुत कारगर दवा है, एग्रेफिस न्यूटेंस और बराइटा कार्ब। एग्रेफिस न्यूटेंस 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप बड़ों को जब उनका टॉन्सिल हो गया हो और उनको तकलीफ हो रही हो, उससे उनका हियरिंग लॉस होने लगा हो, तो उनके लिए एग्रेफिस न्यूटेंस 30 है। यहाँ पर बहुत टेंडर, यहाँ पे चिन के ठीक नीचे, यहाँ पे नेक का और चिन का, इसका यहाँ पे जॉ का मुलाकात होता है, यहाँ पर जब आपके इन्फ्लेमेशन आ रहा है तो यहीं पे टॉन्सिल हम लोग पैल्पेट करके देख लेते हैं। और अगर टॉन्सिल हो रहा है तो बड़ों में अगर टॉन्सिल है तो एग्रेफिस न्यूटेंस निश्चित रूप से उनकी बहुत कारगर दवा है, जो कि उनको टॉन्सिल के कारण होने वाली हियरिंग लॉस से बहुत आराम दे देगी। दूसरी इसी कंडीशन की बहुत अच्छी दवा है बराइटा कार्ब। बराइटा कार्ब 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप बच्चों को दे सकते हैं, बच्चों के लिए यह बहुत कारगर दवा है। यह उनका टॉन्सिल भी सही कर देगी और उनका पार्शियल हियरिंग लॉस भी ख़त्म कर देगी। अगर वहाँ बच्चे कोल्ड से, ठंडे से बहुत सेंसिटिव हैं और कोल्ड से उनको बहुत जल्दी, कहते हैं पेशेंट कहते हैं बार बार बच्चा बीमार पड़ जाता है, तो अगर यह बार बार बच्चा बीमार पड़ने की कंडीशन आएगी तो इसकी निश्चित रूप से कारगर दवा बराइटा कार्ब 30 है। दो दो बूंद दिन में 3 बार देख के आप बच्चे के टॉन्सिल सही कर सकते हैं और टॉन्सिल के साथ आप उनका पार्शियल हियरिंग लॉस खत्म कर सकते हैं। फिर एक कंडीशन आती है साथियों, ड्राइनेस ऑफ ईयर, आपके कान बहुत सूख गए हैं। तो अगर आपके कान बहुत सूख गए हैं और इतनी ड्राइनेस हो गई है जिसके कारण आपको सुनने में तकलीफ होने लगी है, तो इसको दूर करने की बहुत अच्छी दवा वर्बैस्कम है। आप वर्बैस्कम T30 दो दो बूंद दिन में 3 बार उस कंडीशन में ले सकते हैं जब आपका हियरिंग लॉस ड्यू टू ड्राइनेस ऑफ ईयर है। वर्बैस्कम मुलिन ऑयल को कहते हैं, मुलिन ऑयल का नाम आपने लोगों ने सुना होगा, तो मुलिन ऑयल को आप कान में भी डाल सकते हैं एक्सटर्नली, और वर्बैस्कम को आप दिन में 3 बार इस दवा को ले सकते हैं। इससे आपका यह एक्सट्रीम ड्राइनेस के कारण, अत्यधिक ड्राइनेस के कारण होने वाले पार्शियल हियरिंग लॉस को ठीक करने में बहुत राहत मिल सकती है। फिर एक कंडीशन आती है साथियों, जब आपसे डॉक्टर कहता है कि आपकी ऑडिटरी नर्व वीक हो गई है, वह आपका हियरिंग का टेस्ट कराता है और उसमें पाता है कि आपकी ऑडिटरी नर्व वीक हो गई है, तो अगर आपको यह कंडीशन मिले साथियों कि आपका ऑडिटरी नर्व वीक हो गया हो जिसके कारण आपको हियरिंग लॉस हो रहा है, तो इसके लिए होम्योपैथी को ठीक करने की दो बहुत कारगर दवा है। पहली दवा है चिनोपोडियम, दूसरी दवा है कालीफॉस। चिनोपोडियम 30 ऑडिटरी नर्व की वीकनेस के कारण होने वाले पार्शियल हियरिंग लॉस को ठीक करने की उस कंडीशन में बहुत अच्छी दवा है कि जब आपके कानों में बहुत आवाज़ें आ रही हों, जब आपके कानों में बहुत सारी नॉइजेज आ रही हों, तो उस स्थिति में आप चिनोपोडियम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार अपनी वीक ऑडिटरी नर्व को ठीक करने के लिए ले सकते हैं। वही डॉक्टर आपसे कुछ दिन बाद ये दवा एडमिनिस्ट्रेशन के बाद कहेगा कि साहब अब आपकी ऑडिटरी नर्व ठीक हो गई है, उसमें ताकत आ गई है। दूसरी दवा इसकी साथियों कालीफॉस है। कालीफॉस 6x पावर में 4 टैबलेट दिन में 4 बार आप तब ले लें जब आपको दिमागी वीकनेस, डिप्रेशन, नींद ना आना, एंजाइटी और कमजोरी, यह सब दिक्कतें आपके ऑडिटरी नर्व की वीकनेस के साथ एकम्पनी कर रही हों, उनके साथ हों, उस स्थिति में कालीफॉस 6x चर गोली दिन में 4 बार ले लें। यह आपके डिप्रेशन, एंजाइटी आना, नींद ना आना, घबराहट, उलझन, एग्ज़ाम से, पढ़ाई से डर लगना, एग्ज़ाम जाने देने में डर लगना, इन सब में कालीफॉस बहुत कारगर दवा है और यह आपकी वीक ऑडिटरी नर्व को भी स्ट्रांग करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण दवा है। फिर साथियों, आपके कान में चोट लग गई हो और उससे आपको सुनाई देना बंद हो गया हो, तो इसकी दो बहुत कारगर दवा है आर्निका और हाइपेरिकम। आर्निका 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में कान के ट्रॉमा की स्थिति में ले सकते हैं कि जब आपको किसी ब्लंट इंस्ट्रूमेंट से आपके चोट पहुंची हो, इंजरी पहुंची हो और आपको सुनाई देना बंद हो गया हो। और हाइपेरिकम 30 दो दो बूंद दिन में 3 बार आप उस कंडीशन में कान में चोट लगने के कारण हियरिंग लॉस जो हुआ है उसको ठीक करने में ले सकते हैं कि जब किसी शार्प धारदार चीज़ से आपके चोट लगी हो और चोट से आपको सुनाई देना बंद हो गया हो, उस कंडीशन के लिए दवा आपकी हाइपेरिकम है। हाइपेरिकम 30 आप दो दो बूंद दिन में 3 बार ले लें, आपकी यह समस्या खत्म हो जाएगी। फिर साथियों, जो बात शुरू हुई थी कि बुजुर्ग लोगों को सुनाई देना बंद हो गया है,
अगर बुजुर्ग लोगों को सुनाई देना बंद हो गया है तो इसको ठीक करने की दवा ब्राइटा कार्ब है। ब्राइटा कार्ब 32 बूंद दिन में 3 बार आप देते रहें, आपको जो है वह निश्चित रूप से जो है बड़े बुजुर्गों की यह तकलीफ ठीक हो जाएगी और वह आराम पा जाएंगे। अगर बुजुर्ग लोगों में बार बार नज़ला जकड़न होती हो और उनको एस्थमा या ब्रोंकाइटिस की शिकायत हो और उनको सुनाई देना कम हो गया हो तो उसको ठीक करने की बहुत अच्छी दवा है मर्क्यूरियस डलकिस। आप बुजुर्ग लोगों को मर्क्यूरियस डलकिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार उस स्थिति में दे सकते हैं कि उनके बार बार नज़ला होता हो, उनके ब्रोंकाइटिस होता हो, उनके जकड़न रहती हो और वक्त के साथ उनको कम सुनाई देने पड़ा हो, तो इसमें आप मर्क्यूरियस डलकिस 30 दे सकते हैं। इसका इसमें करिश्माई रोल है, यह बुजुर्ग लोगों को ठीक करने में बहुत सहायक होती है। फिर एक स्थिति आती है साथियों, किसी के मेनिंजाइटिस हो गई हो, मेनिंजाइटिस जो कि इन्फ्लामेशन होता है ब्रेन का लेयर्स का, इसमें जो है बहुत तकलीफ़ हो जाती है और व्यक्ति को सुनाई देना बंद हो जाता है। अगर साथियों यह स्थिति किसी को आपको दिखती है तो आप उसको सिस्कुटा विरोसा 30 और हाइड्रोसियनिक एसिड सजेस्ट कर सकते हैं। यह दोनों दवा 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार देने से मेनिंजाइटिस से होने वाली तकलीफ़ों में पार्शियल हियरिंग लॉस में हाइड्रोसियनिक एसिड और सिस्कुटा विरोसा 30 यह बहुत मदद कर सकते हैं और उस व्यक्ति का हियरिंग को वापस ला सकते हैं जिसको मेनिंजाइटिस हुई हो। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि बचपन से ही कोई बच्चा पैदा हो और उसको सुनाई ना पड़ता हो, एक दुखद स्थिति है, भगवान करे किसी के साथ ना आए, लेकिन अगर ये किसी को आ रही है तो आप उसके परिवार को उसके बच्चों को मेफाइटिस 30 सजेस्ट कर सकते हैं। मेफाइटिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार करीब 1 साल तक चलाने से जो पार्श हियरिंग लॉस सिंस बर्थ है, पैदाइश के समय से हियरिंग लॉस है, वह भी इस दवा से बहुत जल्दी ठीक हो जाता है और मरीज को आराम दे सकता है। और किसी को भी हियरिंग लॉस हुआ हो, काली म्यूट 30 और मेफाइटिस 30 मिलकर करिश्माई काम करती है और हियरिंग लॉस को ठीक कर देती है। यह स्थिति साथियों आती है कि डैम्प वेदर में आपको सुनाई देना अच्छा लगने लगता है और क्लियर वेदर में सुनाई देना खराब लगने लगता है, खराब कम हो जाता है, तो इसको दूर करने की बहुत अच्छी दवा कॉस्टिकम 30 है। कॉस्टिकम 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार आप उस स्थिति में ले लें कि जब आपको डैम्प वेदर में सुनाई देना अच्छा लगने लगा है, ज़्यादा लगने लगा है और ड्राई वेदर में सुनाई देना कम होने लगा है, उस समय ड्रग ऑफ द चॉइस कॉस्टिकम है, यह आपको निश्चित रूप से आराम दे देगी। फिर एक स्थिति आती है साथियों कि कान से बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज आ रहा है और आपने एंटीबायोटिक खाई और डिस्चार्ज को रोक दिया, उसके बाद सुनाई देना बंद हो गया, तो अगर एंटीबायोटिक्स के एडमिनिस्ट्रेशन के बाद जब डिस्चार्ज आपका ड्राई हो गया लेकिन वो हार्ड हो गया और सुनाई देना बंद हो जाए, तो उस समस्या से निपटने की बहुत कारगर दवा लीडमपाल 30 है। आप लीडमपाल 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले सकते हैं। इससे आपका जो ओटोरिया यानी कान के इन्फेक्शन का जो इन्फेक्शन को सप्रेस करके आपका जो कान ब्लॉक हो गया है उसको दूर करने की बहुत कारगर दवा है। आप लीडमपाल 30 2-2 बूंद दिन में 3 बार ले लें, आप इस समस्या से राहत पा जाएंगे। एक साथियों स्थिति आती है ख़ास तौर से बुजुर्गों में आती है, एकदम से जैसे 40 साल तक व्यक्ति बिल्कुल ठीक है और 40 साल के बाद अचानक उसके डेफनेस आने लगी, एक तेज़ आने लगी, लगभग नियरली फुल डेफनेस हो गई। अगर यह कंडीशन साथी ओल्ड एज में होती है कि कंप्लीट डेफनेस हो जाती है आफ्टर द एज ऑफ 40, तो इसकी होम्योपैथी में बहुत कारगर दवा है साथियों, और दवा है मेडोराइनम। मेडोराइनम 200 पावर में 5-5 मिनट पे 3 खुराक आप बुजुर्ग व्यक्ति को दे सकते हैं, उसका लगभग कंप्लीट हियरिंग लॉस भी ठीक हो सकता है और वह अपने पुरानी स्थिति में आ सकता है। एक बड़ी अजीबोगरीब स्थिति आती है साथियों कि व्यक्ति को सब सुनाई पड़ रहा है, बस व्यक्ति की आवाज़ ही नहीं सुनाई पड़ रही। जैसे वो कहता है कि गाड़ियों की आवाज़ हमें सुनाई पड़ती है, गाड़ी गुजरती है वो आवाज़ सुनाई पड़ती, लेकिन व्यक्ति की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, तो इस कंडीशन की होम्योपैथी में बड़ी अच्छी कारगर दवा है फॉस्फोरस। आप फॉस्फोरस 1 mg/hr में 3 खुराक 5-5 मिनट के फासले पर वीकली उस मरीज को दे सकते हैं जिसको कि इंसान की आवाज़
कम सुनाई देती हो, लेकिन जो व्हीकल्स वगैरह गुजरती है उनकी आवाज़, उस फ्रिक्वेंसी की आवाज़ उसको सुनाई देती हो, तो उस स्थिति में फास्फोरस बहुत अच्छी दवा है। फास्फोरस के मरीज़ को ठंडा खाना पसंद होता है, ठंडी चीज़ें पसंद होती है, और शाम को उसकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं। यहाँ सिम्टम अगर उसमें है तो निश्चित रूप से उसकी दवा फास्फोरस है। आप फास्फोरस 1 mg/hr में 5-5 मिनट के फासले पर 3 खुराक वीकली ले सकते हैं, उसको लाभ हो जाएगा। ये साथियों कुछ दवाएं थी पार्शियल हियरिंग लॉस या कंप्लीट हियरिंग लॉस पर होम्योपैथी में। यह बहुत कारगर दवाएं हैं और ये हमारा प्रयास है आपको होम्योपैथी के करीब लाने का। मैं फिर कह दूं कि यह दवाएं आपकी जानकारी के लिए हैं, बिना किसी डॉक्टर से पूछे हमारा या कोई भी अन्य वीडियो देख के कोई दवा ना लें, डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करा के ही दवा लें, क्योंकि दवाएं आपके सिम्टम के हिसाब से भिन्न हो सकती हैं। अगर साथियों आपको हमारा या होम्योपैथी को आपके करीब लाने का प्रयास पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, हमारे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन बटन को प्रेस करके हमारा नया वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने का आप कर सकते हैं। आप हमारे साथ इतनी देर रहे, हमारा साथ दिया, आपके साथ के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।